तो दोस्तों मिट्टी को सही तरीके से कैसे बनाते हैं, और मिट्टी में ज्यादातर पत्थर होने के कारण आपको मूर्ति बनाते समय बहुत ही दिक्कत आती है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। और सही तरीके से मिट्टी को कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से हमारी रॉथी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि चिकनी मिट्टी को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। ये मेरे पास एक मिट्टी का टुकड़ा है, ये ऐसी तैसी मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। इस मिट्टी से चिकनी मिट्टी को बनाया जाता है। चिकनी मिट्टी हर एक मिट्टी से नहीं बनता है। इस मिट्टी को बनाने के लिए सही मिट्टी फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। ये मिट्टी सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नॉर्मल मिट्टी इतना हार्ड नहीं होता है। नॉर्मल मिट्टी को हाथ से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस मिट्टी को हाथ से आप नहीं तोड़ सकते, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हम इस मिट्टी को तोड़ने का बहुत कोशिश किए, लेकिन मिट्टी नहीं टूटा। तो इसे हम हामर से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। हामर से बीटिंग करके हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको इसी से अंदाजा लग गई होगी कि मिट्टी कैसा होती है। ये बिल्कुल नेचुरल मिट्टी है। हामर से बीटिंग करने के बाद हम ये लिए हैं ईट। ईट से बीटिंग करके हम इस मिट्टी को और भी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे। ईट के अलावा आप ऊड भी ले सकते हैं, बट उसका फेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मिट्टी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होने के बाद उसे बीटिंग करना रोक दीजिए। उसके बाद आपको लेना है छलनी, जिससे आप सैंड को छलते हैं। तो ये मेरे पास एक ऊड से बनी हुई छलनी है। छलनी को लेने के बाद बीटिंग किया गई मिट्टी को छलनी के ऊपर रखना है। बट आप सोच रहे होंगे कि इस मिट्टी को मैं कहां से लाया हूं। हमारे खेत में एक जमीन खोदा हुआ था, वहां पे ये मिट्टी था। तो ये मिट्टी ऐसे ही सूखा हुआ वहां पे पड़ा था, और इसे मैं चिकनी मिट्टी बनाने के लिए ले आया। मतलब ये जमीन खोदा हुआ मिट्टी है। बीटिंग की हुई मिट्टी को छलनी के ऊपर रखने के बाद छलनी को इस तरीके से पकड़ना है और मिट्टी को इस तरीके से छलना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी को छलने के बाद ये जो मिट्टी का पाउडर है ये कैसे नीचे गिर रहा है। इस मिट्टी के पाउडर में कोई भी पत्थर नहीं है। यदि आपके मिट्टी में पत्थर वगैरह रहता है तो ये प्रोसेस करने से आपका पत्थर और मिट्टी अलग हो जाता है, जिससे आप क्ले बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और छलनी के अंदर रह जाने वाले एक्स्ट्रा मिट्टी के टुकड़े को नीचे डालना है और उसे बीटिंग करना है। और हम बीटिंग करने के लिए फिर से ईंट का इस्तेमाल किए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का टुकड़ा बीटिंग करने से कितने छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको भी मिट्टी को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना है, ताकि छलने से मिट्टी का पाउडर निकले। इस मिट्टी को बीटिंग करने से आप ये देख सकते हैं कि इस मिट्टी में मिट्टी का पाउडर दिख रहा है। तो ये ज्यादा मिट्टी का पाउडर इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब हमको बीटिंग करना छोड़ देना है। इस मिट्टी को हम इस छलनी के ऊपर रखते हैं और इस छलनी से इस मिट्टी को छलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम इस मिट्टी को किस तरीके से छल रहे हैं और इस मिट्टी से कितना पाउडर निकल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी का प्योर पाउडर आपको मिल चुका है, और जो मिट्टी में पत्थर मिला हुआ है वो छलनी के अंदर रहता है। मिट्टी को छलने के बाद हम इस मिट्टी के टुकड़े को फिर से बीटिंग करने के लिए यहाँ पे रखेंगे और उसे बीटिंग करेंगे। आप इस तरीके से मिट्टी के टुकड़े को पाउडर हो जाने तक बीटिंग कर सकते हैं, बट बीटिंग करते समय आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, आपको सिर्फ मिट्टी को ही पाउडर बनाना है, ना कि पत्थर को। इसलिए आपको मिट्टी को धीरे धीरे से बीटिंग करना है, ना कि जोर लगा के। जोर लगा के बीटिंग करने से मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी पाउडर हो जाता है और मिट्टी के साथ पत्थर मिल जाती है। इसीलिए आपको लाइटली ही बीटिंग करना है, जैसे कि मिट्टी तो पाउडर हो जाए लेकिन पत्थर जैसे है वो सही रह सके। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्रक्रिया को 3 बार ही आजमाए, उससे ज्यादा ना करें। बीटिंग करने के बाद अभी हम छलनी के अंदर मिट्टी को रख रहे हैं, क्योंकि इसे हम छलेंगे। तो आप ये भी नजर दे रहे होंगे, ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं ये पहले से और भी ज्यादा छोटे छोटे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस मिट्टी को छलने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये बाहर आ चुका है छलनी के अंदर। मतलब इसके अंदर मिट्टी के साथ साथ थोड़ी सी पत्थर भी है, इसलिए आप इस मिट्टी को बाहर फेंक देनी है। उसके बाद आपको मिट्टी के पाउडर को एक जगह पर रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में कोई भी पत्थर वगैरह नहीं है, और इस मिट्टी में बालू का भाग भी बहुत ही कम है, और इस तरीके से मिट्टी से हाई क्वालिटी का क्ले बन जाता है। ये मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं इस मिट्टी के पाउडर को रख रहा हूँ। मिट्टी को रखने के बाद मिट्टी के बीच में इस तरीके से मैं गाढ़ा बना रहा हूँ।
गाढ़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें पानी डालते समय पानी इधर उधर ना जाया करे। तो मैं इसमें पानी डालने के लिए मैं एक मग में पानी लिया हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस पानी को मैं इस मिट्टी के अंदर डालता हूँ। मिट्टी में पानी डालते समय आपको पानी के क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देनी है, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा पानी होने से मिट्टी ज्यादा गीला हो सकती है। इसीलिए आपको मिट्टी को देखकर ही पानी देना है। पहले मिट्टी में थोड़ी सी पानी को देना है, उसके बाद मिट्टी को गूंदना है। गूंदने के बाद आपका मिट्टी यदि और भी पानी को चाह रहा है तो आप थोड़ी सी पानी को दे सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी को देखकर ही पानी को दीजिए। जैसे कि आप आटा गूंदते समय आटे को देखकर आटे में पानी देते हैं, उसी तरह इस मिट्टी को देखकर मिट्टी में पानी देना चाहिए। मिट्टी में पानी देने के बाद मिट्टी को इस तरीके से गूंदना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और आप जिस तरीके से भी आटे को गूंदते हैं ठीक उसी तरीके से इस मिट्टी को अच्छे से गूंदना है। आपको इस तरीके से गूंदना है जैसे कि हम गूंद रहे हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो सके। तो इस मिट्टी को हम अच्छे से गूंद लिए हैं। तो उसके बाद हम इस मिट्टी के ऊपर एक पानी से गीला हुआ कपड़े को डालेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो अभी हम इस गीले कपड़े को मिट्टी के ऊपर डालते हैं। कपड़े को मिट्टी के ऊपर डालने के बाद इस मिट्टी को 4 घंटे भीगने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 4 घंटे के बाद हम इस कपड़े को निकालते हैं। तो दोस्तों, ये मिट्टी अब अच्छे से भीग चुका है, तो इसे हम अभी गूंदते हैं और इसे अच्छे से गूंदना है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हम इसे अच्छे से गूंदने के बाद ये क्ले अभी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, इसका थोड़ा सा टेस्ट बाकी है। इसे टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि मिट्टी कितना अच्छा है। तो इसलिए हम इस मिट्टी को टेस्ट करते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि इस मिट्टी से क्या क्या बनाया जाता है। इस मिट्टी से आप पटरी, टेराकोटा मूर्ति, क्ले मॉडलिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मिट्टी सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस मिट्टी से हम बनाएंगे एक छोटा सा हाथी, ताकि आपको पता लग सके कि इस मिट्टी से कितना फिनिशिंग वर्क होता है। तो ये मिट्टी दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। अरे वाह, इस मिट्टी से ये हाथी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आप भी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी से हाथी कितने अच्छे से बन गया। तो दोस्तों, हमने तो सीखा मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, बट मिट्टी को स्टोर कैसे करते हैं। मिट्टी को स्टोर करने के लिए हम लिए हैं एक पॉलीथिन बैग, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस मिट्टी को खोला छोड़ने से इस मिट्टी सूख जाती है, बट मिट्टी को पॉलीथिन बैग में रखने से मिट्टी नहीं सूखता है। तो इसलिए हम इस मिट्टी को पॉलीथिन बैग में ही रखते हैं। दोस्तों, मिट्टी को पॉलीथिन के अंदर रखने के बाद पॉलीथिन के फेस को बंद कर देनी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ताकि बाहर के एयर पॉलीथिन के अंदर ना जा सके और मिट्टी ज्यादा दिन तक टिक के रह सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए। तो दोस्तों, आपने तो जान लिया कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, बट मिट्टी से मूर्ति को कैसे बनाते हैं ये जाना चाहते हो तो इसे क्लिक करें। यदि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें। तो मैं मिलता हूं फिर और एक न्यू यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।